अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 9। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 9 का अंक है तो ये भविष्यफल आपके लिए है। अंक 9 वालों पर मंगलदेव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। साल 2024 यानी कि इसमें 8 के अंक की एनर्जी शामिल है और ये 8 का अंक 2 और 4 के अंक की एनर्जी से मिलकर बना है, जिसमें डबल चंद्रमा है और राहु की एनर्जी है। डबल चंद्रमा और राहु के प्रभाव से बनने वाले शनि के इस 8 के अंक को हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि 2 और 4 से बने इस 8 के अंक में उतार चढ़ाव की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। यद्यपि 8 का ये अंक स्टेबिलिटी का सूचक है, लेकिन काफी उतार चढ़ाव के बाद स्थिरता मिलने का ये संकेत दे रहा है। जो लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा भावुक हैं, उनके लिए साल 2024 इमोशनली काफी दुख देने वाला रह सकता है। इस वर्ष हम सभी के मनोमस्तिष्क में नए नए विचार, जिन्हें हम कार्य रूप देना चाहेंगे, उभर कर सामने आएंगे। यहां पर राहु आपके मन के विचारों को कार्य रूप देने के लिए उकसाने का काम करेगा। भले ही आपके सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों ना खड़ी हों, लेकिन अंत में पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। आप सभी को यहाँ एक बात का पूरा ख्याल रखना है कि पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरें, चैलेंजेस को फेस करते जाएं और अंत में जीत आपकी होगी। आपने काम को बीच में घबराकर बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना है। जिस भी काम की शुरुआत करें उसे पूरा अवश्य करें। इस वर्ष शनिदेव हमें ये समझाएंगे कि जीवन इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। एक्चुअल में शनिदेव आपका जिंदगी की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। एक्चुअल में शनिदेव का स्वभाव अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का है, क्योंकि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसे में साल 2024 आपके लिए अच्छा या बुरा दोनों ही साबित हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये साल 2024 उन लोगों को अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा जो बहुत ही मेहनती हैं, यानी कि जो सर्विस सेक्टर से, जॉब्स रिलेटेड हैं। इस वर्ष श्रमिक वर्ग के लिए और गरीब लोगों के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ डिसीजन, कोई ठोस डिसीजन ले सकती है। अंक 9 वालों में भी जो लोग अपने हाथों से काम ज़्यादा करते हैं, यानी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, उनके लिए साल ज़्यादा फलदायी साबित होगा। इस साल के दौरान सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त करना, अचानक से पैसा कमाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। हालांकि बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा माना जा सकता है। ये साल 2024 आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करेगा। इस साल 2024 में अंक 9 वालों के लिए पर्सनल ईयर नंबर निकल कर आता है 17 का अंक, यानी शनिदेव की एनर्जी। अतः इस साल 2024 में अंक 9 वालों के लिए 2, 4 और 8 में से 8 के अंक का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। देखा जाए तो मंगल और शनि की आपस में मेल एक विस्फोटक स्थिति को दर्शाता है। मंगल जितना एनर्जेटिक है, शनि उतना ही आलस देता है। मंगल फास्ट एनर्जी है तो शनि एक धीमी गति का ग्रह है। एक काम करने में जल्दबाजी करेगा तो दूसरा काफी सोच समझकर डिसीजन लेता है, हर पहलू से जांच कर ही काम को आगे बढ़ाता है। इसीलिए शनि और मंगल की यह स्थिति काफी संघर्ष को दिखाती है। साल 2024 में अंक 9 वालों को मानसिक तनाव, हताशा या निराशा की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। हमेशा द्वंद में रहेंगे, भ्रमित अवस्था ज्यादा बनी रहेगी, जिस कारण काम को सिरे चढ़ाना ही एक बड़ा टास्क बन जाएगा। आप काम में जल्दबाजी करेंगे तो काम में बाधाएं और चुनौतियां आपको घेर सकती हैं। अच्छा यही होगा कि जिस भी काम की शुरुआत करें, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरें। काम में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, परिस्थितियों से आपको हार नहीं माननी है और ना ही काम को बीच में अधूरा छोड़ना है। आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, आशावादी रहना है, क्योंकि यही आपके धैर्य की परीक्षा है। आपको इस वर्ष बहुत ज्यादा और कड़ी मेहनत करनी होगी। काम की शुरुआत में आपको रिजल्ट भले ही देरी से मिले या धीमा मिले, लेकिन अगला वर्ष साल 2025 आपका वर्ष है। साल 2025 में अंक 9 वालों के लिए कई बेहतरीन अवसर के साथ साथ आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलने के पूरे पूरे संकेत हैं। इस वर्ष आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्थिरता देगा, आपके भविष्य को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।
इसीलिए धैर्य बनाए रखें, सोच विचार कर काम को आगे बढ़ाएं, रिजल्ट आपको अच्छा ही प्राप्त होना है। स्वयं के लिए विश्वास बनाए रखना आपके लिए इस वर्ष काफी उचित रहेगा। कभी कभार ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपका खुद पर ही विश्वास ना रहे, आप भ्रमित अवस्था में ज्यादा हो जाएं। ऐसी स्थिति में काम करने में कठिनाई आ सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है। इसीलिए अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए स्वयं को तैयार रखें। लगातार की गई मेहनत सफलता अवश्य दिलवाएगी। यदि बीच में ही हताश होकर काम को छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि धन और समय दोनों बेकार हों। अतः भली भांति योजना बनाकर खूब मेहनत करके चीजों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार रखें, तभी किसी नए काम में अपने आप को जोड़ें। यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और विदेश जाने की कोशिश में हैं तो इस मामले में आपको सफलता मिल सकती है। वहीं सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए साल के पहले हिस्से में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतरीन रहेगा। प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए की जा रही कोशिशें आपकी कामयाब हो सकती हैं। विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए साल अच्छा रहने वाला है, लेकिन प्रेम और दाम्पत्य संबंधी मामलों में एवरेज परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल थोड़ा कमजोर कहा जाएगा, मानसिक रूप से आप काफी तनावग्रस्त रहेंगे। आपको योग और व्यायाम का सहारा लेने की सलाह दी जाती है। कभी कभी आपके स्वभाव में काफी जल्दबाजी देखने को भी मिल सकती है। स्वाभाविक है कि कई बार जल्दी के कारण आप नुकसान भी करवा बैठे। आपके स्वभाव में क्रोध या आवेश तुलनात्मक रूप से ज्यादा देखने को मिल सकता है। कई कारणों से आपके कई शत्रु भी बढ़ सकते हैं। सामान्य तौर पर आप धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति होंगे, आपको दान पुण्य कर जैसे कार्य पसंद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कई बार आपको प्रैक्टिकल बातों को समर्थन करते हुए भी देखा जाएगा। भाइयों और मित्रों के लिए सदैव तत्पर रहना आपका स्वभाव है, हालांकि इन्हीं लोगों के साथ कभी कभी आपका विवाद भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अपने भाई बंधुओं से खूब प्रेम करने वाले रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आपको सेविंग्स के साथ ही इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपको धैर्य रखना है और निरंतर प्रयास करना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको आने वाले वर्षों में फायदेमंद साबित होगी। वैसे भी आप अंक 9 वालों में मंगल की एनर्जी है, कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने वाला, बेहद हठी विजेता है, जो चाहता है अपनी मेहनत और अपनी जिद से अपने पराक्रम के बल पर अवश्य प्राप्त कर लेता है। ये वर्तमान में जीता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, एक लीडर है, जन्मजात फाइटर है। इसीलिए मंगल से प्रभावित लोगों का पूरा जीवन ही काफी संघर्षपूर्ण निकलता है। अंक 9 के स्वामी ग्रह हैं बजरंगबली, जो सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। यही कारण है अंक 9 वालों के विवाहित जीवन में कष्ट ताउम्र ही बना रहता है, क्योंकि ये लोग भावुक बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये हारता है तो सिर्फ अपने रिश्तों में, जीवन भर रिश्तों को बचाए रखने के लिए इन लोगों को काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर ये झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों के लिए। अंक 9 के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं, अपने जन्म के दिन के बारे में आप गहराई से समझना चाहते हैं, तो अंक 9 पर बनी मेरी ये दोनों वीडियोस अवश्य देखिएगा। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आप चाहे 18 तारीख को जन्मे हैं या फिर 27 तारीख को, ईश्वर ने आपको 9, 18 या फिर 27 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन सब की डिटेल में जानकारी आपको मेरी इन वीडियोस में अवश्य जानने को मिलेगी। अब आप चाहे 9 फरवरी को जन्मे हैं, 18 मई को जन्मे हैं या फिर 27 जून को जन्मे हैं, आपको अपने कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन वीडियोस को देखकर आपको आपकी लाइफ का चैप्टर समझने में आसानी होगी, आपका विजन क्लियर होगा। बात अगर आपके एजुकेशन सेक्टर की कर ली जाए तो इस वर्ष आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़े लापरवाह दिखाई दे सकते हैं, जिसका नेगेटिव असर आपकी शिक्षा पर पड़ सकता है और ऐसे में पढ़ाई में गिरावट देखने को मिल सकती है। साल 2024 में आपको शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत और लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होगी, अपनी शिक्षा में फोकस रहना होगा। इसके विपरीत ये वर्ष उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जो जातक अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा कह सकते हैं। PhD, डॉक्टर, सर्जन, रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, साइंटिस्ट, इन लोगों के लिए साल काफी अच्छा रहने वाला है।
इस वर्ष आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे अनुभव आपको प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काफी उत्साहित रहेंगे, उत्सुक रहेंगे। यदि आप किसी नए कोर्स की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपको अध्ययन के लिए एक अच्छा समय मिल सकता है। आपके पास विकल्प होंगे, विस्तृत जानकारी होगी, जिस कारण आप अपने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने कैरियर और भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। इस बात की भी काफी संभावना है कि आप काफी थकावट और हताशा या मानसिक तनाव की स्थिति को महसूस करें। पारिवारिक माहौल के कारण भी ये स्थिति संभव हो सकती है। ये समय उन छात्रों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा जो उच्च शिक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। आपके कॉलेज और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आपको मिलने वाले मार्गदर्शन से आपका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहेगा। आपको कई अवसर मिलेंगे जहां आपको नई जानकारी मिलेगी। इस वर्ष आपकी पर्सनल ग्रोथ काफी अच्छी होगी। हालांकि वर्ष के दौरान कुछ बाधाएं भी आएंगी, जैसे कि आपको कुछ विषयों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या फिर कुछ अनुचित दबाव के चलते आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है। लेकिन आप अपने मन में अगर संकल्प बनाए रखें तो इन समस्याओं से निपटारा आसानी से कर लेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये साल स्टूडेंट्स के लिए कर्म के अनुसार उनको फल मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको अभी से करनी होगी, लगातार करनी होगी। भविष्य आपका तभी उज्जवल होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल 2024 आपके लिए काफी मेहनत और संघर्ष वाला रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर काफी बेचैन रह सकते हैं। हो सकता है कि इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मशीन की तरह काम करें। वैसे तो आप मेहनती खूब हैं, मेहनत से घबराते भी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को इस वर्ष प्रयास एक्स्ट्रा करने होंगे। ये साल 2024 उन लोगों के लिए ज्यादा फलदायी रहेगा जो सरकारी ठेकेदार हैं या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, भूमि भवन के काम से जुड़े हैं, जहां आपको मशीनों के साथ लेबर के साथ काम करना पड़ता है, जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टरी के पेशे खासकर सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए साल काफी बेहतरीन रहने वाला है। PhD बेस्ड टीचर्स और काउंसलर्स के लिए भी ये साल काफी उत्तम रहने वाला है। आपको अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ बनाकर रखनी होगी। आपको अपने व्यवहार पर भी नजर रखनी होगी। हताशा या निराशा की स्थिति में आपके आपकी बोली में कुछ एग्रेशन आना या आपके व्यवहार में कुछ एग्रेशन आना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये साल 2024 मेहनत और कड़े संघर्ष का सूचक है। आप अपने काम में तभी सफल होंगे जब आप उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ सभी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे। बिना प्लानिंग के कोई डिसीजन लेते हैं तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये विचार दिमाग से निकाल दें। इस वर्ष आप जहां काम कर रहे हैं वहीं पर ही काम करते रहें, जब तक परिस्थितियां आपके विपरीत ना हो। इस वर्ष आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि आप अपने करियर में एक बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें। आपको अपने काम के लिए एक अच्छा मेंटोर भी मिल सकता है, जो आपको अपने करियर में बढ़ने में, करियर के बढ़ने में आगे मदद करे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में विस्तार करना होगा, कुछ बदलाव लाने होंगे। अपने कुलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ आपको बनाकर रखनी होगी, तभी आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। यदि आप अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए एक अच्छा समय साबित होगा, लेकिन आपको व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ काफी सावधानियां भी बरतनी होंगी। आपको अपने अंडर में काम करने वाले वर्कर्स का पूरा ख्याल रखना होगा। उनके साथ मिलकर काम करेंगे तभी आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयां दे पाएंगे, क्योंकि ये साल शनिदेव का है और शनिदेव मजदूर वर्ग से बेहद लगाव रखते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कैरियर के मामले में आपको अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को भरपूर प्रयोग में लाना है, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपको धैर्य बनाए रखना है, एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही आपको ये सलाह दी जाती है कि प्रोजेक्ट ऐसे चुनें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में काम करें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल 2024 में आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आपको अपनी सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करना होगा। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। वैसे तो आप लोगों को धन की कमी कभी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन इस वर्ष आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा और अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना होगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो आपके निकट संबंधी आपकी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन आपको उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए रखने होंगे।
इस वर्ष आपको अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी लैंड से या इस फील्ड से जुड़कर आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। भूलकर भी आपको शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष आपके खर्चों में बढ़ोतरी रह सकती है। जितना पॉसिबल हो कम से कम खर्चा करें, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दूसरों से उधार लेने से भी बचें, वापस करना भारी पड़ सकता है। जितना हो सके पैसे को बचा कर रखें, महंगी चीज़ों को खरीदने से वर्ष भर बचे रहें। सोच समझ कर एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही प्रॉपर्टी के लेन देन में या दूसरी इन्वेस्टमेंट में खर्च में ध्यान लगाएं। ये साल आप अपने विपरीत लिंगी मित्रों पर खर्चा करेंगे तो उसमें भी ध्यान रखें, कहीं मोटे कर्जे में ना फंस जाएं। भूल कर भी किसी को पैसा उधार ना दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल 2024 आपको बेहद मानसिक तनाव और अस्थिरता की स्थिति देने वाला रहेगा। वैसे भी आप अपने काम में अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त रखते हैं कि खाने पीने की, सोने की सुध तक खो बैठते हैं। यही स्थिति कुछ इस वर्ष भी देखने को मिल सकती है। पूरा वर्ष आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, वरना किसी बड़ी बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं। खासकर आपको स्ट्रेस कम लेना है, धैर्य रखना है, अपने क्रोध पर काबू रखना है, अपने खाने पीने का विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर आपको सिर से जुड़ी या फिर ब्लड संबंधी कोई परेशानी चली आ रही है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। समय रहते इलाज भी प्रॉपर करवाते रहें। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। क्रोध बढ़ा तो बीपी हाई रहने की संभावना बनी रह सकती है। मानसिक तनाव के कारण आप कमजोरी, थकान, अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। बेवक्त भोजन करना, पानी कम पीना, समय पर ना सोना, पूरी नींद ना होना, इन सब के कारण पेट संबंधी समस्या तो बढ़ेंगी ही, परेशान भी ज़्यादा रहेंगे। आपका वजन भी बढ़ सकता है, जिसका सीधा सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। अच्छा यही है कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, सुबह शाम की सैर अवश्य करें, अपनी बीमारी को अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, समय रहते डॉक्टरी सलाह लेते रहें। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना भी बन सकती है, आपके साथ ज्यादा बनी रहती है, इसीलिए अपना पूरा ख्याल रखें, खासकर ड्राइविंग में और यात्राओं पर जाते समय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रिडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। अब बात अगर आपकी पर्सनल लाइफ की कर ली जाए, आपके रिश्तों की कर ली जाए, तो ये साल आपके लिए काफ़ी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस लेकर आएगा। आपके रिश्ते में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं, संबंध बनाने की तलाश में है, तो ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन मौके देगा। आपको उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जिससे आप एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। आपको पहले अपना माइंड मेकअप करना होगा कि आपको अपने रिश्ते में क्या चाहिए। हालांकि इस वर्ष कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके रिश्ते पर असर डाल सकती हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप अपने साथी के साथ हमेशा संवेदनशील रहें, उन्हें समझें, एक दूसरे को स्पेस दें। आप दोनों के बीच के विश्वास को बढ़ावा मिलना चाहिए। इस वर्ष आप उनके साथ रोमांटिक यात्रा पर या कुछ एंटरटेनिंग पल निकाल सकते हैं। इससे आपके संबंधों में ताजगी भी आएगी और मजबूती भी। आपकी अपने साथी के साथ कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। आप लोग प्रेम को बहुत महत्व देते हैं, एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं। आपको लोगों से जुड़ने में काफ़ी समय लगता है, भावुक बहुत हो जाते हैं। आपकी इसी शाई नेचर के कारण आप दूसरों के साथ अपने विचारों को साझा नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपने पार्टनर के साथ भी नहीं, जबकि आप अपने साथी से बेहद प्रेम करते हैं। एक्चुअली आप अपने काम की टेंशन, अपनी समस्याओं को उन्हें बतलाकर दुखी और परेशान नहीं करना चाहते, और यही कारण इस वर्ष भी आपके बीच गलतफहमियों को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में किसी तीसरे की एंट्री भी आपके लिए काफ़ी दुखदायी साबित हो सकती है। अच्छा यही है कि अपने पार्टनर को पूरा समय दें, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। चाहे आप विवाहित हैं या आप रिलेशनशिप में हैं,
ये बात आप दोनों पर ही लागू होती है। वैसे लव लाइफ आपकी नॉर्मल रहेगी, पार्टनर के साथ थोड़ी टेंशन रह सकती है, उसका असर आपके रिश्ते पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा आपकी स्थिति में सुधार भी होता चला जाएगा। और इसके लिए आपको अपने साथी को समझना भी है, उनके संग संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या कोई शंकालु स्थिति उत्पन्न ना होने दें और ना ही अपने पार्टनर को लेकर पजेसिव महसूस करें। सभी कारणों से आपके रिश्ते के टूटने या डिवोर्स की नौबत भी आ सकती है। रिश्ते में अलगाव हो उससे अच्छा है कि रिश्तों को बचाए रखें। अच्छा यही है कि आपसी बातचीत से सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट कर लें, तनाव बिल्कुल भी ना रहने दें। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस साल उन लोगों के लिए प्रभावकारी रहेगा जो अभी तक सिंगल हैं, अपने रिश्ते को सीरियसली लेना चाहते हैं, आगे रिलेशनशिप में विवाह में बदलना चाहते हैं। इस वर्ष आपके लिए अच्छा विवाह संबंध बन सकता है जो आपके भविष्य को, आपकी जिंदगी को स्थायी रूप से परिवर्तित कर देगा। हालांकि आपको आपके साथी का समय समय पर पूरा सपोर्ट भी मिलता रहेगा, आपको काम में आपको प्रोत्साहित भी करेंगे और आपको फुल सपोर्ट भी करेंगे। कुल मिलाकर ये साल 2024 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी गलतफहमी, मानसिक तनाव के बीच ये साल आपका गुजरेगा। जितना जल्दी हो सके पारिवारिक तनाव समाप्त कर लें जिससे आप अपने वर्क क्षेत्र पर मन लगाकर काम कर सकें। इस वर्ष अगर आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार को तवज्जो दें, जिस कारण आप खुशियों के कई सारे पल जी पाएंगे। कैरियर में भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, सावधानी के तौर पर सतर्क रहें, धैर्य रखें, अपने आप को शांत रखें, अपने भीतर नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना आने दें और सबसे अहम बात, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। एक के लिए दूसरी लाइफ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ये साल 2024 आपके लिए अनुकूल बना रहे उसके लिए आप कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे तो निश्चय ही शानदार सफलता के रास्ते पर होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें, रिश्तों में गलत फहमियां बिल्कुल भी पैदा ना होने दें, आपसी बातचीत से सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है, शक की गुंजाइश बढ़ने ना दें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत में ना पड़े लोन बिल्कुल भी ना लें, कहीं से भी कर्जा ना लें और ना ही किसी को कर्जा दें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिस काम में आपको नेगेटिविटी आने लगे उस काम से दूर हो जाएं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने कुलीग्स और सीनियर्स से व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन ना करें, आपकी स्मार्टनेस उन्हें बुरी लग सकती है। वर्क प्लेस पर उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। अपने सभी कार्य फोकस्ड होकर करें, एकाग्रता के साथ करें। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम रखें वरना कर्जे में पड़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट सोच समझकर विवेक से करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ करें। इन सब के बावजूद परिस्थिति ऐसी बन जाए कि कुछ समझ ना आए, लाइफ को कोई दिशा ना मिल रही हो तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।